बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पशु प्रेमी होते हैं और घायल जानवरों की मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत के नाते मनुष्य से लेकर जानवर को एक नज़र से ही देखते हैं और हर समय इन बेजुबान जानवरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मानवों के आपसी संघर्ष के साथ साथ मानव और मासूम जानवरों के संघर्ष की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। हम हल्द्वानी की एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दो बहनों की जिनका नाम है चेतना और मेघना। इन दोनों बहनों ने हल्द्वानी शहर में एक टीम की शुरुआत कर जानवरों की सेवा की एक नई राह दुनिया को दिखाई है। इन्होंने ही सहारा सोसाइटी एनजीओ की शुरुआत की है। इन दोनों बहनों के एनजीओ द्वारा बीमार और परेशान स्ट्रे डॉग, बिल्ली, खरगोश आदि जानवरों का रेस्क्यू 2020 से किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी टीम इनके खान पान और इलाज का भी पूरा ख्याल रखती है। फिलहाल टीम के साथ 70 से 80 साथी जुड़े हैं जो इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं। इनकी टीम में जहां घायल जानवरों का इलाज किया जाएगा, मेघना का कहना है कि उन्हें जानवरों से बेहद लगाव है और वह किसी भी जानवरों को घायल नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की और साल 2020 से घायल जानवरों की मदद कर रही हैं। अब उन्होंने घायल जानवरों के लिए एक घर बनाना शुरू कर दिया है जहाँ वह सभी घायल जानवरों का इलाज करेंगी। मेरा नाम मेघना बोहरा है और मैं हल्द्वानी में रहती हूँ। हम लोग जो ये सारा हमारा एनिमल वेलफेयर एनजीओ है, हम 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो जो हम लोग रेस्क्यूज़ करते थे वो हम अपने घर पे ही रख के ट्रीटमेंट करते थे उनका, बट अभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे केसेस आने लगे हैं, लोग की काफ़ी सारी कॉल्स आती है, तो हम लोग घर पे इतना नहीं कर पाते हैं। तो हमें किसी ऐसे लैंड की ज़रूरत थी जहाँ पे हम शेल्टर बना पाएँ, तो फाइनली गोलापार में हमको एक लैंड लीज पर मिली हुई है, तो इसमें हम शेल्टर बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जैसे पैरालाइज एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट होगा, और जो एक्सीडेंटल केसेज होते हैं या सीवियरली सिक जो एनिमल्स होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। वेट विजिट्स होंगे और उनका ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर, और जब प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे वो, तो जहाँ से उनको हम लेके आए थे वहीं पे उनको उनकी लोकेलिटी पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ताकि जो कोई और नए नीडी एनिमल्स हैं हम उनकी और हेल्प कर सकें। इसमें डॉग्स एंड कैट्स होंगे बेसिकली, और कभी कभार जैसे काउज या फिर कोई म्यूल्स वगैरह होते हैं तो उनको भी रखा जाएगा।